नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट। कैसे हैं आप लोग? सिक्किम दार्जिलिंग का टूर तो हो गया, दो तीन दिन पहले मैं घर पे आया हूँ, लेकिन घर पे मेरे कदम नहीं ठहरने वाले हैं भाई। मैं अगले ट्रिप पे जा रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ। यहाँ झारसुगुड़ा जाऊंगा बाइक से, सेम वही ट्रेन पकड़ना है, LTT कामाख्या रेलवे स्टेशन तक मैं जाऊंगा। वहां से गुवाहाटी घूमूंगा, उसके बाद मेघालय ट्रिप पे मैं जाऊंगा। तो ये जो ट्रिप है थोड़ा लंबा होने वाला है शायद तक, देखता हूँ मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ जाने का टिकट करा है, वापस आने का कोई कंफर्मेशन नहीं कि मैं कब आऊंगा। हो सके जल्दी आ जाऊं या फिर थोड़ा लेट हो जाए। अकेले घूमना कैसा रहेगा इस बार, लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आप लोग मेरे साथ रहोगे मुझे पता है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी बात होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। और मैं स्टोरीज भी पोस्ट करते रहूंगा, मैं कहा हूं कैसा हूं सब आप लोगों को पता चलता रहेगा। और एक बात, ये जो मैं जर्नी करने वाला हूं, रेलवे जर्नी, लगभग 30 घंटे की जर्नी होने वाली है, और ये मेरी लाइफ का सबसे लंबा ये जर्नी है ट्रेन में, एक ट्रेन में कंटिन्यू। इससे पहले मैं 24 घंटे तक का जर्नी किया हुआ हूँ। तो चलिए निकलते हैं, हमेशा की तरह आज भी मैं लेट हो चुका हूँ, और हो सके तो रास्ते का थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगा, और नहीं बनाऊंगा तो सीधा मैं झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन का बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। पहुंच गया हूं मैं दोस्तों झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन। घर से झारसुगुड़ा पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगे। एक मालगाड़ी पार हो रहा है यार, तो डस्ट डस्ट हो गया पूरा, कोयला वाला पाउडर उसमें लदा हुआ लगता है, दिखा रहा हूँ। ट्रेन आने वाली है दोस्तों, A1 बोगी में मेरा सीट है, ये आगे A1 यहाँ रुकने वाली है। आप लोग पूछते हैं कितना किराया लगा आपके ट्रेन का, मेरा इस बार AC सेकेंड टियर का टिकट है दोस्तों, तत्काल कोटा का, 3,012 रुपये लगे हैं यहाँ से कामाख्या तक के लिए। आ गई भाई हमारी ट्रेन। उस दिन जैसा सफ़र शुरू किए थे वैसा ही फील हो रहा है, लेकिन आज फ़र्क इतना है कि रवि भाई मेरे साथ नहीं है, और उसी रूट पर ही होके गुजरूंगा दोस्तों मैं, सिलीगुड़ी से होके। ये वही ट्रेन है, उस दिन 3 टियर बोगी में मेरा सीट था, आज 2 टियर में है। A1 क्लिक के B3 के पास ये ट्रेन रुकी है, 12 नंबर। लंच टाइम यहाँ राउरकेला जंक्शन में काफी देर से रुकी हुई ट्रेन, 1 घंटा हो गया भाई, ट्रेन यहाँ से निकल क्यों नहीं रही है भाई। भाई अब बीमारी का पता चला है कि ट्रेन इतनी देर क्यों रुकी हुई है, हो सके तो 3-4 घंटे और रुकेगी ये ट्रेन। आगे हड़ताल हो रहा है, पब्लिक ने रेलवे लाइन जाम करके रखा है, देखते हैं क्या होता है। बोल रहे हैं कि 3-4 घंटा रुकने का है ट्रेन को, अभी तो डाइवर्ट होके जा रही है ट्रेन, आगे हड़ताल हो रहा है, शाम रात तक खत्म नहीं होगा तो क्या होगा, इस वजह से ट्रेन का रूट ही चेंज कर दिया जा रहा है, रांची होके जाएगी। जिधर से जाती है ट्रेन उधर रांची नहीं पड़ता, सीधा टाटा नगर पड़ता है, लेकिन अभी पता नहीं किधर से घुमा के लेके जाएंगे कि बीच में रांची पड़ेगा, लेट तो होगी ट्रेन डेफिनेटली। टाटा नगर से पार हो रहे हैं, यहाँ दोपहर में ही पहुँच जाने का टाइम था, लगभग 2:30-3 बजे, और अभी रात के 10 बज रहे हैं, सोच लीजिए कितना लेट चल रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग में 6 बजे सिलीगुड़ी पहुँचने का टाइम होता है, लेकिन आज लगभग 2 बजे पहुँचेंगे, 1:30-2 बजे, ट्रेन लेट नहीं, काफ़ी लेट चल रही है, वीडियो बनाने नहीं बनता अंदर मुझे, सब लोग शांत शांत से बैठे रहते हैं ना सेकेंड AC पे। देखिए इधर का सुंदर नज़ारा, कुछ दिन पहले ही मैं इसी रूट से होकर गुजरा था, यहाँ सिलीगुड़ी आया हुआ था, और आज दोबारा आ रहा हूँ, लेकिन आज सिलीगुड़ी में नहीं रुकना है, वहाँ से पार होके जाना है। लेकिन उस बार आया था तो सेम यही ट्रेन थी, मॉर्निंग में पहुँच गए थे 6 बजे। इस रूट पे नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं। आज के ब्रेकफास्ट में ये शॉर्टकट वाला मैगी। सब में से पहले मेरा लंच आ चुका है, इधर रखा हुआ है। एक आया हुआ है लंच में,
ओ भैया चाय दे देना, चाय खाऊंगा अभी। 24 घंटे से ऊपर का सफर हो चुका। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे हुए हैं अभी हम लोग। यहाँ पर बस थोड़ी देर रुकेगी। ए बाबा, सिलीगुड़ी जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल रही है अभी। भाई आसाम पहुंच गए लग रहे हैं। इधर तो यार पूरे रास्ते में चाय की खेती देखने को मिल रही है। ये देखिए केरला जैसा सीन, पूरे रास्ते में चाय की खेती। यार हमारे तरफ जैसे धान की खेती होती है ना छत्तीसगढ़ में, वैसे ही इधर चाय की खेती होती है बहुत बड़े पैमाने पे। ये देखिए यहाँ बाहर बैठने में मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पूरे रास्ते में चाय की खेती में देख रहा हूँ दोस्तों। अभी मैंने मैप में चेक किया, ये अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में ही हैं, असम नहीं पहुँचे हैं। वेस्ट बंगाल में है फिर भी इतना सारा टी गार्डन देखने को मिल रहा है, चाय की खेती देखने को मिल रही है। असम में तो फिर क्या ही कहने होंगे। ये देखिए कटिंग चल रहा है और इधर फ्रेश हरा हरा चाय की खेती। ओ बाप रे, इधर तो काफी बड़ा, बहुत बड़ा चाय का बागान है दोस्तों। ये देखो लगभग पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है, अभी भी लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ये देखिए लगभग 10% लोग बचे हुए हैं अभी, और जो थोड़े बहुत हैं एक दो जगह में बाकी लोग सो रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि अकेला मैं ही असम जा रहा हूँ। अभी 2 घंटे और लगेंगे असम बॉर्डर क्रॉस करने में, तो सो जाता हूँ थोड़ी देर, सोच रहा हूँ। और अब यार कोविड की वजह से ब्लैंकेट भी लोग कुछ नहीं देते हैं, ये जैकेट को ही मैंने तकिया बना लिया है। हरिद्वार जंक्शन, पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है लगभग। एक अंकल जी हैं और एक दो लोग हैं बस, और मैं हूँ। असम राज्य में हम लोग एंट्री ले लिए हैं दोस्तों थोड़ी देर पहले ही। इस रेलवे स्टेशन का नाम है अभयपुरी, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है। वेज मंगाया हूँ अभी मैं, चलिए खाना खा के मिलता हूँ मैं आपसे। लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे, पहुँचने ही वाले हैं। 1 घंटा तो एकदम कम लग रहा है, लगभग 35 घंटे की जर्नी हो चुकी है, तो 1 घंटा यार क्या पन पड़ने वाला है। कहाँ कहाँ हो जी दाहो भाई, फाइनली 40-45 घंटे की लंबी जर्नी के बाद पहुंच चुका हूं मैं कामाख्या जंक्शन आसाम। यहां से गुवाहाटी मुझे कैब में जाना पड़ेगा, लगभग 10 किलोमीटर है। कामाख्या रेलवे स्टेशन से मैं एग्जिट ले लिया हूं, एक मंदिर के डिज़ाइन में बना हुआ है ये। भाई ओला कर लिया मैंने। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये है भाई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात में यहाँ पहुँचने के बाद मैं मोबाइल चार्जिंग में लगाया और सो गया। एक हॉस्टल में रुका हुआ मैं यहाँ पे। अभी मैं इधर सैलून आया हुआ था और ब्रेकफास्ट भी मैंने किया। इधर गया रे बाबा मेरा हॉस्टल। एक सर्फ एक्सेल साबुन, सर्फ एक। यहाँ हॉस्टल में कपड़े धोना अलाउ है दोस्तों, होटल्स में तो नहीं रहता, और रहता भी है तो आपको सुखाने का जगह नहीं मिलता। आगे पास में ही है मेरा हॉस्टल, वहाँ जितने लोग भी रुके हुए हैं लगभग 85% ट्रैवलर्स हैं, बाकी कोई जॉब के लिए एग्जाम देने वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। क्या हाल है, जा रहे हो? जा रहे हो टेम्पल? कामाख्या टेम्पल, ओके। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मैं वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, और बाकी का सफर आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।